दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के तीन ऐसे घातक हथियारों के बारे में जिन्हें दुश्मनों का काल कहा जाता है और दुश्मन इनसे दूरी बनाकर ही रहते हैं। नंबर वन है कस्प प्राइम मिसाइल। दोस्तों भारत का डिफेंस सिस्टम इतना घातक है कि जब भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किया तो जहां भारत में खुशी का माहौल था वहीं दूसरी तरफ चाइना में मातम पसरा हुआ था और चाइना ने ऑफिशियल तौर पर कहा कि भारत के इस डिफेंस सिस्टम से चीन को अपने हथियारों को बचा कर रखना चाहिए वरना भारत उन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। दरअसल भारत के डिफेंस सिस्टम 30 से 40 किलोमीटर दूरी में उड़ रहे किसी भी फाइटर जेट ड्रोन या मिसाइल को पल भर में राख कर देगा। इसके एक मिसाइल का वजन करीब 700 किलोग्राम है। वहीं भारत इसका 3 वेरिएशन यूज कर रहा है यानी आकाश, आकाश प्राइम और आकाश एनजी। आकाश एनजी अभी बनकर तैयार हो रहा है। इसका रेंज इससे भी ज्यादा होगा। इस डिफेंस सिस्टम को भारत ने पूरी तरह स्वदेश में बनाया है और अब दूसरों देशों को बेचने की भी तैयारी चल रही है और चाइना परेशान इसलिए है क्योंकि भारत इस डिफेंस सिस्टम को वियतनाम को भी देने वाला है इससे कि चाइनीज फाइटर जेटों को वियतनाम आसानी से निशाना बना सकेगा। नंबर दो पिनाका रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों भारत द्वारा स्वदेश में निर्मित इस रॉकेट लॉन्चर की खासियत ऐसी है कि जब ये दहाड़ भरता है तो दुश्मनों के जिगर हिल जाते हैं क्योंकि ये मात्र 44 सेकंड में 72 रॉकेट लॉन्च कर सकता है यानी एक बार शुरू होने के बाद दुश्मन की तबाही तय मानी जाती है और इसे रॉकेट लॉन्च करते समय इसे 90 एंगल पर घुमाया भी जा सकता है। नंबर तीन अर्जुन टैंक। दोस्तों भारत द्वारा स्वदेश में निर्मित अर्जुन टैंक की खासियत ऐसी है कि युद्ध में दहाड़ भरते ही दुश्मन पीछे हट जाते हैं। महाभारत के विजेता यानी अर्जुन के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। यह एक बार में करीब 1000 लीटर पेट्रोल अपने अंदर रख सकता है यानी एक बार मैदान में उतरने के बाद लंबे समय तक दुश्मनों का काल बना रहेगा। इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन और हल्के टैंकों में गिना जाता है। भारत ने इसे करीब 2004 ईस्वी में ही बना लिया था और अब भारत इसके 114 की संख्या में यूज कर रहा है और भारत सरकार ने और 200 अर्जुन टैंकों को ऑर्डर भी दे दिया है। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।